हमारे पास सवाल आएगा रिलेशंस विद बांग्लादेश के ऊपर, सवाल आएगा कि हाउ सक्सेसफुल हैव रिलेशंस बिटवीन पाकिस्तान एंड बांग्लादेश बीन फ्रॉम 1971 टू 1999। हमेशा 1947 टू 1999 होता है, लेकिन यहाँ पर 1979 वन टू 1999 क्यों है? बेटा आपको खुद पता होना चाहिए कि बांग्लादेश वाज अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान एंड इट वाज नोन एज ईस्ट पाकिस्तान। 1971 में बांग्लादेश बनता है एंड देन वो क्या होता है, अलग हो जाता है। तो हमारे पास जब वो आएगा तो 1971 से लेकर 1999 तक आएगा, और ये 10 मार्क का है, 2016 के अंदर 14 मार्क का नहीं आया। अब हमारे पास जब ये सवाल आया तो आपने इसमें सबसे पहले क्या बताना है कि 1971 के अंदर जब वॉर पाकिस्तान हारता है किससे, इंडिया से, तो ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान अलग हो जाते हैं, ईस्ट अलग हो जाते हैं, वेस्ट अलग हो जाते हैं। जो वेस्ट के लोग होते हैं मतलब जो पाकिस्तान के लोग होते हैं वो गुस्से में होते हैं ईस्ट पाकिस्तान के अंदर, क्यों? क्योंकि उन्होंने ईस्ट पाकिस्तान ने इंडिया की मदद दी। और दूसरा क्या है कि ईस्ट पाकिस्तान हमसे अलग हो गया, जिसकी वजह से हमें ये लगता था कि इन्होंने हमें धोखा दे दिया, हमसे अलग हो गया। हालांकि हमने ही जुल्म करा था, लेकिन हमारे पर्सपेक्टिव से हमें ये लग रहा था कि यार हमने, ये लोग कैसे लोग हैं, हमसे अलग हो गए, जिसकी वजह से आप बताओगे रिलेशंस क्या हो गए, बुरे। फिर आप ये बताओगे 1971 के अंदर ऑपरेशन सर्च लाइट होता है, जिसके अंदर किसको ढूंढा जाता है, शेख मुजीब को ढूंढा जाता है। जब शेख मुजीब को अरेस्ट किया जाता है और काफी लोगों को मारा जाता है तो रिलेशंस खराब हो गए, क्योंकि बांग्लादेशियों के ऊपर जुल्म करा जा रहा है। फिर आप बताओगे कि 1972 के अंदर जो ब्रिटेन थी, कॉमनवेल्थ, यूकेन कॉमनवेल्थ, दे एक्सेप्टेड बांग्लादेश एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री। जब उन्होंने बांग्लादेश को एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री करा तो हमने गुस्से में आकर कॉमनवेल्थ को लीव कर दिया। हमने कॉमनवेल्थ क्या कर दिया था, लीव कर दिया था जुल्फिकार अली भुट्टो के द्वारा। अब जब हमने जुल्फिकार अली भुट्टो को लीव कर दिया उसने, तो उस बात से क्या हुआ, रिलेशंस खराब हुए। क्यों? क्योंकि हम उनकी खुशी में क्या हो रहे हैं, दुख मना रहे हैं। ब्रिटेन ने जब एक्सेप्ट कर दिया बांग्लादेश को एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री तो पाकिस्तान को गुस्सा आता है और कॉमनवेल्थ वो छोड़ देता है। जब वो कॉमनवेल्थ छोड़ देता है तो रिलेशंस क्या हो गए, बुरे। फिर आप बताओगे कि 1974 के अंदर होती है सेकेंड OIC जो कि लाहौर के अंदर होती है। जुल्फिकार अली भुट्टो शुरू में कहता है कि मैं नहीं बुलाऊंगा शेख मुजीब को, लेकिन फिर मुस्लिम लीडर्स कहते हैं कि बांग्लादेश को आपको बुलाना पड़ेगा। तो जब वो बांग्लादेश के लोगों को शेख मुजीब को बुलाते हैं तो फॉर द फर्स्ट टाइम ही एक्सेप्टेड शेख मुजीबुर रहमान एंड बांग्लादेश, शेख मुजीबुर रहमान को लीडर माना और बांग्लादेश को एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री माना। और आप ये बताओगे इससे रिलेशंस क्या हो गए, हमारे अच्छे हो गए। रिलेशंस अच्छे होते हैं उसके बाद आप ये बताओगे कि 1975 के अंदर हमारे पास खान कर मुश्ताक के नाम से एक बंदा आता है जो कि उनका लीडर बनता है बांग्लादेश का। और जब वो हमारे पास लीडर बनता है तो वो एम्बेसिडर्स एक्सचेंज करवाता है, मतलब यहाँ वहां से लोग यहाँ आ रहे हैं, यहाँ से वहां लोग आ रहे हैं, टूरिज्म प्रोमोट हो रहा है, ट्रेड प्रोमोट हो रहा है, रिलेशंस क्या हो गए, काफी बेहतर हो गए। फिर आप बताओगे कि 1985 से लेके 88 तक जब एड चाहिए थी तो पाकिस्तान वाज द फर्स्ट टू कंट्रीब्यूट, पाकिस्तान ने कंट्रीब्यूट करा, उधर फ्लड्स व्लड्स आए तो पाकिस्तान ने कंट्रीब्यूट करा, रिलेशंस क्या हो रहे हैं, अच्छे। 1986 के अंदर आप लोगों ने ये बात पढ़ी थी जियाउल हक के फॉरेन पॉलिसी के अंदर कि 1986 के अंदर इनके पास $40 बिलियन का क्या हो रहा है, ट्रेड हो रहा है, $40 बिलियन का क्या हो रहा है, ट्रेड हो रहा है। तो ये हमारे पास क्या थी, बहुत बड़ी अचीवमेंट थी जो कि हमें क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। फिर यहाँ पर कुछ अचीवमेंट्स नहीं लिखी, 1988 से लेके 1999 तक जो बेनजीर और नवाज का रूल चल रहा था, बेनजीर और नवाज ने सार्क इंट्रोड्यूस करवाई, उन्होंने साउथ एशियन गेम्स करवाए, जिसकी वजह से रिलेशंस क्या हुए, काफी बेहतर हुए। तो उनके दौर में रिलेशंस बेहतर ही थे। अब सवाल को आपने देखते हैं कि सर हमारे पास बांग्लादेश क्या है, तो हाउ सक्सेसफुल हैव रिलेशंस बिटवीन पाकिस्तान एंड बांग्लादेश बीन फ्रॉम 1971 टू 1999। तो हमारे पास इसके अंदर क्या सवाल, इसके अंदर आंसर क्या है, आप बताओगे, आफ्टर द वॉर, आफ्टर द इंडो पाक वॉर ऑफ 1971 बांग्लादेश वाज एस्टैब्लिश्ड एंड द रिलेशंस बिटवीन टू कंट्री रिमेन स्ट्रेन बिकॉज पाकिस्तान सॉ बांग्लादेश एज अ रिपेल नेशन एंड हु हैड ब्रोकन अवे फ्रॉम वेस्ट पाकिस्तान एंड कमिंग इंडिपेंडेंस इन 1972। अभी हम सारे फेलियर्स बता रहे हैं। In 1972, Britain recognized Bangladesh as an independent country and in relation, Pakistan left the organization, the Commonwealth. This deteriorated relations हमारे गंदे हो गए। फिर हमारे पास है, there was a problem of reallocating assets. Reallocating assets के बारे में आप ही बताओगे कि assets सही तरीके से हमने allocate नहीं करे थे और इसमें मसला आया। जब assets allocate सही तरीके से नहीं करे और जब ये मसला आया तो आप ही बताओगे कि भुट्टो उधर गया, लेकिन भुट्टो उधर गया फिर भी ये मसला हल नहीं हुआ था। तो देयर वाज अ प्रॉब्लम ऑफ रीएलोकेटिंग एसेट्स, जब वो 1971 में अलग हुए तो हमने उनके एसेट्स प्रॉपर तरीके से उनको नहीं दिए थे। बांग्लादेश के क्लेम दैट इट हैड द राइट टू मेनी ऑफ द एसेट्स ऑफ वेस्ट पाकिस्तान एज इट हैड बीन द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर्ड एसेट्स बट नथिंग वाज एग्रीड, देयर वाज डिसएग्रीमेंट ओवर द रोल ऑफ नॉन बंगालीज इन बांग्लादेश। फिर हमें अपार्ट फ्रॉम फेलियर्स देयर वाज सक्सेसेस। 1974 में हमने
बांग्लादेश को एक्सेप्ट कर लिया 1974 के अंदर। खंदकर मुश्ताक बिकेम द न्यू लीडर, और जो मैंने आपको बताया कि ट्रेड और क्या हुआ काफी ज्यादा हुआ, रीच द वैल्यू ऑफ 40 बिलियन डॉलर्स 1985 से लेके 1988 तक। बांग्लादेश के ऊपर क्या हुए, काफी ज्यादा मसले आए, आप ही बताओगे, उनको फॉरेन एड की नीड थी, ड्राउट्स और आ रहे थे, फ्लड्स और आ रहे थे, जिसकी वजह से आप ही बताओगे कि हमने उनकी पहली क्या करी, मदद करी। इन माय ओपिनियन द सक्सेसेस आर मोर इंपॉर्टेंट एंड दे आउटवे द फेलियर्स। पाकिस्तान एंड बांग्लादेश हैव सम रफ टाइम इनिशियली बट ओवरऑल द रिलेशंस वर गुड। तो हमारे पास ये कहानी है कि बांग्लादेश के साथ हमारे रिलेशंस कैसे थे। इसमें इतना ज्यादा कंटेंट नहीं है लेकिन फिर भी हमें आना चाहिए। होपफुली आप लोगों को रिलेशंस विद बांग्लादेश समझ आ गए होंगे।